नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफुद्दीन लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, वसई विरार महानगर पालिका में एक भ्रष्टाचार का खुलासा होकर उस भ्रष्टाचार पर कार्यवाही नहीं होती है, उससे पहले एक नया भ्रष्टाचार सामने आ जाता है। अभी वर्तमान में वसई विरार महानगर पालिका के कई बड़े बड़े भ्रष्टाचार सामने आ चुके हैं, जिनमें मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की चीफ मेडिकल ऑफिसर भक्ति चौधरी पर लगे आरोप, जिसमें भक्ति चौधरी की अपनी नियुक्ति के समय गलत तथ्यों को पेश कर नियम बाहर तरीके से नौकरी हासिल किए जाने वाले मामले का अभी पूरी तरह से सच्चाई सामने आई नहीं है, और ऐसे में एसी मेडिकल हेल्थ विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आप अपनी स्क्रीन पर मनपा स्थापना विभाग द्वारा निकाला गया एक पत्र देख सकते हैं। आज का ये वीडियो और पूरी रिपोर्ट इसी पत्र व इसी से जुड़े मामले में मेरे द्वारा पहले किए गए प्रयासों पर आधारित है। निश्चित ही ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। आप दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, कुछ सालों पहले तक इंसान जो कि ईश्वर कहे, अल्लाह कहे या भगवान, उस रब और अपने माता पिता के बाद सबसे ज्यादा किसी का मान सम्मान करते थे तो वो होता था एक डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर कोई भगवान तो नहीं होते, लेकिन जमीन पर रहकर भगवान का काम करते हैं। जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त लोगों का इलाज करके उन बीमार लोगों को स्वस्थ करते हैं और उसके बदले में एक छोटी सी फीस लेते हैं। कई बार तो कई डॉक्टर ऐसे भी होते थे जो इलाज का एक पैसा भी नहीं लेते थे। तो दोस्तों, खैर वो जमाना अब गुजर गया है। अभी डॉक्टरों का पेशा एक शुद्ध व्यापार बन चुका है और अब आज के समय में डॉक्टरों को बीमार की चिंता कम, अपनी फीस की चिंता अधिक होती है। अपनी फीस की चिंता करने तक तो ठीक है, लेकिन अब तो हालात ये हो गए कि ये डॉक्टर फ्रॉड करना शुरू कर दिए हैं। इन डॉक्टरों की जमात में से कई डॉक्टर मनपा में जनता सेवा करने के नाम पर बाहर से कम पैसे में भी कम काम पर लग जाते हैं और हमेशा हर एक के सामने यही एहसान जताते रहते हैं कि हम कम पगार में भी मनपा अस्पतालों में काम कर जनता को सेवा देते हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई में मनपा में कार्यरत डॉक्टर जनता की सेवा कर रहे हैं, या जनता के टैक्स के पैसे जिससे इन डॉक्टरों को पगार मिलती है उस पैसे की चोरी कर रहे हैं। यह सवाल मैं क्यों उठा रहा हूं, इसका जवाब चाहिए तो एक बार फिर स्क्रीन पर देख रहे हैं पत्र को गौर से देखिए। यह पत्र मनपा स्थापना विभाग द्वारा वसई विरार महानगर पालिका के सभी अस्पताल को दूसरी भाषा में कहे तो सभी सरकारी दवाखानों के वैद्यकीय अधीक्षक व प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी को लिखा गया है, जिसके विषय में इन सभी वैद्यकीय अधीक्षक व प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी को उनके अपने अस्पताल या दवाखाने में लगी बायोमेट्रिक पद्धति से हाजिरी लेने वाली मशीनों के प्राप्त डेटा का मासिक अहवाल भेजने का आदेश दिया गया है। इस पत्र में यह अहवाल क्यों मांगा गया, इसका वर्णन मराठी भाषा में विस्तार से किया गया है, जिसमें कई बातों का जिक्र है। हम यहाँ पूरे लेटर का संक्षेप में आपको बता दें कि क्या इसमें लिखा है। तो इसमें लिखा गया है कि आप सभी के अस्पताल में कर्मचारी हाजिरी के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाए गए हैं और जुलाई महीने के बायोमेट्रिक मशीन के डेटा के अहवाल को देखने पर यह बात सामने आई है कि आपके अस्पताल के सभी सामान्य वैद्यकीय अधिकारी और दूसरे पैरामेडिकल कर्मचारियों ने अपनी हाजिरी बराबर बायोमेट्रिक मशीन पर में दर्ज की है, लेकिन विभिन्न विभाग में कार्यरत विशेषज्ञ डॉक्टर, विशेषज्ञ वो आई विशेषज्ञ हो सकते हैं, डेंटिस्ट हो सकते हैं, अलग अलग विभाग में जो भी विशेषज्ञ है, जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट पद्धति पर 6 महीने हेतु फुल टाइम पर मनपा संचालित आपके अधिकार क्षेत्र वाले दवाखाने में नियुक्ति की गई है, उनके प्रतिदिन के हाजिरी का रिकॉर्ड बायोमेट्रिक मशीन में नहीं दिखाई दे रही है। इसके बावजूद आप लोगों ने ऐसे डॉक्टर को पूरी पगार दिए जाने की सिफारिश की है, ये इस पत्र में लिखा गया है। आपका विशेषज्ञ डॉक्टरों को पूरी पगार देने की सिफारिश करना गंभीर विषय है और इस मामले में भविष्य में किसी तरह की शिकायत आने पर आपको जवाबदार माना जाएगा। आगे इस पत्र में इन सभी अधीक्षक और प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी को लिखा गया है कि अब के बाद आगे के सभी डॉक्टर, जिसमें विशेषज्ञ भी शामिल है, सभी की हाजिरी बायोमेट्रिक मशीन पर लेकर उसका अहवाल देने की हिदायत दी गई है। कुल मिलाकर मनपा के वर्तमान में निकले गए इस पत्र से यह जाहिर हो रहा है कि मनपा संचालित अस्पतालों में नियुक्त डॉक्टर, जिनको पूर्णकालिक तौर पर नियुक्त किया गया है, वह अपना काम नहीं कर रहे, तय समय पर ड्यूटी अदा नहीं कर रहे हैं, फिर भी पूरी पगार उठा रहे हैं और उनके इस फ्रॉड में उस अस्पताल के अधीक्षक और प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी भी पूरी तरह शामिल है, क्योंकि वह सभी वैद्यकीय अधीक्षक या प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी ये जानते हैं कि विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रहे, फिर भी उनकी पगार दिए जाने की सिफारिश कर रहे हैं, जबकि इन अधीक्षक के अधिकारी को तो ऐसे डॉक्टरों की शिकायत करनी चाहिए थी। अब बात करें वीडियो में आगे, जैसा कि मैंने कहा है कि ऐसे मामले को मैं बहुत पहले उठा चुका हूं, लेकिन तब मामले को दबा दिया गया था। तो दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि कोरोना के समय में
मनपा ने विरार में जीवदानी अस्पताल के नाम से एक अस्पताल का निर्माण करवाया था जो आज भी चल रहा है। उस अस्पताल में कई डॉक्टर और स्टाफ की नियुक्ति की गई थी। उसी में मनपा ने प्रशांत वाई के नाम के एक एमडी फिजिशियन डॉक्टर को भी नियुक्त किया था। आगे की बात करूं उससे पहले यह भी बता दूं कि डॉक्टर प्रशांत वालके कोई और नहीं तब की मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में चीफ का कामकाज देख रही डॉक्टर सुरेखा वालके मैडम के पति महोदय हैं। तो कोरोना के खत्म होने पर मुझे मेरे सूत्रों से ऐसी जानकारी मिली थी कि डॉक्टर प्रशांत वालके जीवदानी हॉस्पिटल में सप्ताह भर में मुश्किल से कभी एक या दो विजिट करते थे और चले जाते थे। पूरे दिन रुकना तो दूर, हर रोज में कुछ घंटों के लिए ये महाशय आते नहीं थे। उसके बावजूद मियां की पगार बीवी के कम कर कम लोग से मेरे पास मौजूद आंकड़ों के हिसाब से बताऊं तो फरवरी 2021 में 62,512, मार्च 2021 में 76,500, अप्रैल 2021 में 76,500, मई 2021 में 74,032, जून 2021 में 76,500, जुलाई 2021 में 76,500, अगस्त 2021 में 76,500 और सितंबर 2021 में 71,400 इस तरह से दी गई। ये सब जो आंकड़े मैं दिखा रहा हूं आपको, ये सभी आंकड़े माइती अधिकार के जवाब में दिए गए हैं। मनपा के आधिकारिक आंकड़े हैं और इसमें और भी अधिक आंकड़े हो सकते थे, लेकिन जितने मुझे दिए गए वो मैंने आपको बताए हैं। दरअसल मुझे जब इस बात की जानकारी हुई कि प्रशांत वालके ने अपनी पगार तो पूरी उठाई है लेकिन अपनी ड्यूटी बराबर अदा नहीं की है, तब इस मामले की शिकायत करने के लिए मुझे कुछ आवश्यक सबूत जुटाने की जरूरत थी और सबूत जुटाने का सबसे सही व कायदानुसार तरीका है माहिती अधिकार कायदा। मैंने उसी माहिती अधिकार कायदे के तहत 23 नवम्बर 2022 को एक माहिती अर्ज दाखिल की जिसमें मैंने मार्च 2021 से माहिती मिलने वाले दिन तक जीवदानी अस्पताल में नियुक्त सभी डॉक्टरों की सूची, उनके हाजिरी रजिस्टर की प्रति, उनको दी गई पगार की डिटेल व सबसे अहम जीवदानी अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज की मांग की थी, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि हाजिरी रजिस्टर में हाजिरी भरी हुई दिखाई देगी। मैंने बायोमेट्रिक हाजिरी, उस समय बायोमेट्रिक हाजिरी बंद थी और मैनुअल हाजिरी में कोई भी शख्स कभी भी एक साथ कई जगहों पर अपने हस्ताक्षर के फर्जी तौर पर हाजिरी पूरी कर सकता है, तो यही फायदा इन महाशय ने भी उठाया होगा इसका मुझे शक था और इसी शक के चलते मैंने सीसीटीवी फुटेज मांगा था ताकि उससे सच को सामने लाया जा सके। लेकिन मेरी उस माहिती के अर्ज के जवाब में तत्कालीन मनपा जन माहिती अधिकारी सहायक आयुक्त जो कि प्रमोशन के बाद आज उपायुक्त थे, विशाखा मोड़गरे मैडम, उन्होंने मुझे सीसीटीवी फुटेज के अलावा बाकी की जानकारियां दे दी और सीसीटीवी फुटेज को गोपनीय दस्तावेज बताकर माहिती अधिकार कलम 8 की पोर्ट कलम 3 अंतर्गत माहिती नहीं दी गई नकार दिया। बाद में मैंने प्रथम अपील दायर की, तब उस प्रथम अपील की सुनवाई में अपीलीय अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार द्वासे जो कि उपायुक्त थे, उन्होंने अपने आदेश में जनमाहिती अधिकारी के माहिती नहीं दिए जाने वाले फैसले का अंशतः समर्थन किया, लेकिन फिर भी जनमाहिती अधिकारी को आदेश दिया कि इस विषय पर मनपा के विधि सलाहकार से सलाह लेकर माहिती उपलब्ध करवाई जाए। प्रथम अपीलीय अधिकारी विजय कुमार द्वारसे उन्होंने इस मामले पर बड़ी आसानी से पर्दा डाल दिया, खूबसूरती से पर्दा डाला। वो चाहते तो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के खुद मुखिया थे और उनके पास बावजूद मैंने जब उनसे माहिती मांगा तो माहिती भले ही नहीं दिया, लेकिन मैंने माहिती क्यों मांगा नहीं मांगा इसकी वजह की जांच पड़ताल करते तो शायद इस मामले की छानबीन में यह मामला पकड़ में आ सकता था। खैर, उन्होंने जब आदेश दे दिया तब भी वह सीसीटीवी फुटेज मिट गई है या अब नहीं है, नहीं दे सकते ऐसा जबानी तौर पर बोलकर मनपा मेडिकल हेल्थ विभाग ने आज दिन तक सीसीटीवी फुटेज जारी नहीं दिए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनपा प्रशासन ने जिस सीसीटीवी फुटेज को गोपनीय अहवाल बताया है तो वह ये भलीभांति जानते हैं कि सीसीटीवी कैमरा निगरानी के लिए ही लगाया जाता है। किसी भी घटना या किसी भी परिसर जो कि सीसीटीवी की निगरानी में है वह गोपनीय कैसे हो सकता है, गोपनीय हो ही नहीं सकता है। लेकिन सीसीटीवी फुटेज अगर दे दी जाती तो ऐसे में उनके भ्रष्टाचार आसानी से बाहर आ जाते
और इसी भ्रष्टाचार को छिपाने गोपनीयता का हवाला दिया गया। उस समय भले ही वह मामला नहीं खुला और मांगी गई जानकारी पूरी हासिल नहीं हो पाने के चलते शिकायत नहीं की जा सकती, लेकिन आज तो खुद मनपा स्थापना विभाग का यह पत्र ही इस सच्चाई को उजागर कर दे रहा है। ऐसे में मनपा आयुक्त को चाहिए कि इस मामले की भी उच्च स्तरीय जांच करवाए और एक बड़े स्कैम पर से पर्दा उठाए, मनपा की जनता के टैक्स को लूटने वाले इन डॉक्टरों को सबक सिखाए। जाते जाते अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि मनपा में सेवा देने वाले अक्सर डॉक्टर कोई सेवा देने नहीं आते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नए ग्राहकों को ढूंढने आते हैं। मनपा में कार्यरत लगभग सभी डॉक्टर, फिर वह चाहे विशेषज्ञ हो या जनरल डॉक्टर, उनके सबके अपने निजी दवाखाने हैं और इन्हीं दवाखानों के ग्राहकों की तलाश में ये लोग मनपा में सेवा देते हैं। डॉक्टर तो डॉक्टर, मनपा के फार्मासिस्ट के भी अपने निजी मेडिकल स्टोर है और वो लोग धड़ल्ले से अपने मेडिकल स्टोर पर धंधा कर रहे हैं। इस बात की भी पूरी आशंका है कि मनपा द्वारा जनता को फ्री में उपलब्ध करवाई जाने वाली दवाइयां भी इन फार्मासिस्ट के अपने निजी मेडिकल में भेजी जाकर मुनाफा कमाया जा रहा हो। इसकी भी समय समय पर ऑडिट होनी चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी हरकत करते पाया जाए तब उस पर कार्यवाही हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए अभी इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये खबर आपको कैसी लगी इस बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।